लोग, मैं फिर से आ गई एक नए ब्लॉग के साथ। एंड गाइज, मैं हूँ लखनऊ में। सो मैंने सोचा कि मैं अपना होम टूर आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। बहुत दिन हो गए, हम लोग ने पूरा बचपन यहाँ पे निकाला है, और अब जब भी आती हूँ ना तो एज अ मेमोरी फिर रह जाता है। तो मैंने सोचा मैं यहाँ हूँ तो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं हूँ ये पार्किंग लॉट में, क्योंकि अंदर स्पेस नहीं है इतना ज़्यादा। सो हमारी सारी गाड़ियाँ मोस्टली बाहर ही खड़ी होती हैं, सिर्फ दो ही हैं जो अंदर रहती हैं, क्योंकि इतना बड़ा पार्किंग लॉट नहीं है मेरा, तो जो भी है। और ये है मेरी धन्नो, जो कॉलेज डे से मेरे साथ है। मैं जब भी आती हूँ, क्योंकि मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, यानी कि कार ड्राइविंग नहीं आती, तो बस ये मेरी स्कूटी है, जो मुझे छोटे मोटे काम करने हो तो मैं इसी पे ही चली जाती हूँ। सो मूविंग ऑन टू होम पार्ट। सो यहाँ से ये मेरा घर स्टार्ट होता है, और ये है मेन एंट्रेंस, यानी कि मेरा गेट। इसको खोलते हुए हम फटाफट से अंदर चलते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेम्बर इन आर फैमिली इज दिस वन, ये सैंडी है। ये ना होना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और सबका मन लगा रहता है। सो चलिए मैं गेट बंद कर देती हूँ। और सबसे पहले ये है पोर्च एरिया, एंड यहाँ पे कुछ पार्किंग हो जाती है कार वगैरह की। एंड ये भी है एक पार्किंग, बस इतनी ही पार्किंग है, तो दो से तीन गाड़ियाँ ही खड़ी हो पाती हैं, ज़्यादा नहीं हो पाता है। यहाँ से स्टार्ट होता है घर का मेन एंट्रेंस, वो था गेट वाला एंट्रेंस, और यहाँ से अंदर चलते हैं। एंड देन फिर उसके बाद सबसे पहले आता है लिविंग रूम, यानी कि ये डाइनिंग एरिया, ये डाइनिंग स्पेस है। एंड देन उसके बाद आता है ये लिविंग रूम का स्पेस, जहाँ पे हम बैठ के अपनी फैमिली के साथ आराम से चाय वाय पीते हैं, बातें करते हैं, कोई भी गेस्ट आता है तो ये गेस्ट रूम भी आप बोल सकते हैं। एंड देन मूविंग ऑन टू बेडरूम पार्ट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे बेडरूम से, यानी ये मेरी और मेरे सिस्टर का बेडरूम है। हम लोग ने पूरा बचपन अपना यही निकाला है, तो मुझे इस घर का सबसे अच्छा पार्ट यही लगता है। ये मेरा है बेडरूम, बहुत ही छोटा सा है, इतना कुछ नहीं है, बट हमने इसमें बहुत सारी मेमोरी रखी है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे है एक स्टोर रूम, एंड देन यहाँ पे है एक बाथरूम। सो ये है एक पार्ट। एंड देन मूविंग ऑन टू सेकेंड बेडरूम, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये आता है हमारा सेकेंड बेडरूम। दिस इज अगेन वन मोर इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि ये मेरे भाई का कमरा था। एंड उसके बाद ये है यहाँ पे एक बाथरूम, यहाँ पे एक बाथरूम है, ये है बाथरूम। एंड देन यहाँ पे है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर किसी के घर में, स्टोर रूम, जिसमें हम लोग अपना सारा जो भी स्पेयर सामान होता है वो रख देते हैं। एंड देन उसके बाद आता है हमारा, देन इट कम्स टू आर किचन पार्ट। ये है हमारा किचन, जिसमें हम बहुत यम्मी सा खाना बनाते हैं। और ये किचन इतना ज़्यादा स्पेशियस है ना, कि एक से आई थिंक 5 लोग एक साथ इस किचन में काम कर सकते हैं, इतना ज़्यादा स्पेशियस है। एंड देन मूविंग ऑन टू अदर बेडरूम, जो है मेरे मॉम डैड का रूम, वो है ये रूम। ये है मेरे मॉम डैड का रूम। सो मैंने यहाँ पे भी बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, इन शॉर्ट इस घर में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। तो हर पार्ट इम्पॉर्टेंट होता है घर के लिए। तो एंड देन मूविंग ऑन टू अदर रूम्स, यहाँ पे भी एक एरिया है, इसको आप क्या बोलेंगे, गैलरी या जो भी बोलेंगे। तो ये है वॉक वगैरह करने के लिए, काफ़ी अच्छा रहता है, आप यहाँ पे ट्रेडमिल लगा सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, अभी हमने किया नहीं है। एंड देन मूविंग ऑन टू अदर बेडरूम, दिस इज वन मोर बेडरूम। एंड मैं आप लोग के साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ, ये एक पेंटिंग है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप इसे पास से दिखाइए। ये जो पेंटिंग है ना, ये पूरी बिंदी पेंटिंग है, ये जो बिंदी लगाते हैं ना, इससे बनी हुई है। सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी पेंटिंग है, अगर आप देखेंगे ना, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को इसे देख के क्या लगता है, इसमें क्या है, क्या आर्ट है, आप लोग मुझे डेफिनेटली बताइएगा ज़रूर। एंड देन हियर इज वन बाथरूम, ये एक बाथरूम है, यहाँ पे भी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं दिखा रही हूँ, ये एक और बाथरूम। एंड देन मूविंग ऑन टू द लास्ट बेडरूम, एक्चुअली नॉट लास्ट बट दिस इज वन मोर, ये और एक एरिया है जहाँ पे है हमारा प्यारा सा मंदिर। मैं यहाँ पे अपने स्लीपर्स निकाल देती हूँ, और ये मंदिर ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी जो डिज़ाइन है एंड यहाँ पे जो गणपति जी बने हैं, ये बहुत अच्छा, ये न्यू है एडिशन इन आर फैमिली, नहीं तो पहले हमारा मंदिर था मेरे, जो मैंने बोला था ना स्टोर रूम, वहाँ पे था। और ये एक और एरिया जहाँ पे हम आराम से बैठ के कभी बातें करनी हो, कभी चेंज चाहिए हो तो यहाँ पे बैठ सकते हैं। एंड दिस इज वन मोर बिंदी पेंटिंग, ये भी बहुत अच्छी है, इसे पास से दिखाइए, और इसको देख के आप क्या रिजेंबल कर सकते हैं, इसमें कुछ तो ऐसा है, आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इसको देख के आपको क्या लगता है, इसमें क्या बना हुआ है। मुझे भी बहुत टाइम लग गया इसे समझने में कि इसमें क्या है,
बट आप लोग मुझे जरूर से बताइएगा। एंड मूविंग ऑन टू द स्पेयर बेडरूम, ये हमारे घर का लास्ट फिनिश बेडरूम है। ये भी है इसमें जो हमारे गेस्ट लोग आते हैं या कोई भी फैमिली मेम्बर आता है सो उसके लिए है ये, बहुत ही अच्छा है। एंड देन हियर इज वन मोर थिंग, ये यहाँ पे बालाजी की मूर्ति रखी हुई है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड देन मूविंग ऑन टू द टेरिस पार्ट, एंड वहाँ पे भी दो बेडरूम और हैं जो कि फिनिश नहीं हुए हैं, बस ऐसे अभी काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं इसे बंद कर देती हूँ, अदरवाइज इवनिंग का टाइम है ना, मॉस्किटोज वगैरह आ जाते हैं। तो ये है हमारे घर का बैक एंट्रेंस, आगे से भी हम ऊपर जा सकते हैं और ये बैक एंट्रेंस है, यहाँ से भी हम ऊपर जा सकते हैं। और ये देखिए हर देसी घरों की तरह हमारे घर में भी ये क्या है, ये सारी चीजें ना आपको हर घर में मिलेंगी और यही सारी चीजें हैं जो हमें हमारे ट्रेडिशन से जोड़े हुए रखती हैं, अदरवाइज तो सारी चीजें मॉडर्नाइज होती रहती हैं। यहाँ पे अंधेरा हो गया, सो देयर आर सम टू मोर बेडरूम्स, देयर आर टू मोर बेडरूम्स जो अभी फुली फर्निश नहीं हुए हैं, काफ़ी टाइम लगेगा, अभी काम चल रहा है, हम लोग आए हैं इसलिए रुक गया है क्योंकि बच्चे वगैरह हैं तंग करते हैं। और ये देखिए सैंडी हमारे होम टूर में हमारा साथ दे रही है, सैंडी। और यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं, हमारा टेरेस है, यहाँ पे भी हमने इवनिंग में बहुत टाइम स्पेंड किया है, गेम्स खेले हैं एंड बहुत कुछ। एंड देन मूविंग ऑन टू सेकेंड फ्लोर, इतनी ऊपर आ रही हूँ ना, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। एंड गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, ये वाले पार्ट पे ना मैं भी नहीं आई हूँ अभी तक, ये मेरा फर्स्ट है मैं जो मैं ऊपर आ रही हूँ क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिला ऊपर तक आने का, आप लोगों के बहाने मैं भी आ जा रही हूँ। वाओ ये छत वाला मजा एकदम यहाँ पे, दिस इज अमेजिंग। ये जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना तब तक ये पूरा फिनिश हो जाएगा, तो बहुत अच्छा लगने वाला है, हम लोग यहाँ पे आराम से बैठ के इवनिंग में बातें कर सकते हैं और यहाँ से फुल व्यू आने वाला है। तो चलिए हमारा होम टूर अभी कंप्लीट हुआ, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बहुत सारे मिस्टेक्स हैं आई नो, बट अगर आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो ना तो इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना और डेफिनेटली लाइक करना। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। We'll be right back.